हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो मेरा नाम है मनीष शरत और मैं एक म्यूजिक प्रोड्यूसर और एक साउंड इंजीनियर हूँ। मैंने काफ़ी सारे सॉन्ग्स में काम किया है। तो आइए आज के वीडियो में बात करते हैं कि हमें ऑटोमेटिकली जो मास्टरिंग होती है वो कैसे करते हैं। देखिए, ऑटोमेटिकली मास्टरिंग करने के लिए हमें जो सबसे मेन जो हमारी प्लगइन है वो है ओजोन। ओजोन एक काफ़ी अच्छी प्लगइन है जिससे आप ऑटोमेटिकली जो है तो मास्टरिंग कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि किस तरीके से उसे करते हैं। जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा, ये हमारे पास में एक मिक्स की फाइल है। ये मेरा खुद का ऑफिशियल ट्रैक है, तो मैंने इसे मिक्स कर लिया है और मैं इसे अब आपको दिखाता हूँ कि ओजोन से मास्टरिंग कैसे करते हैं। तो पहले हम इसे सुन के देखते हैं कि किस तरह से साउंड कर रहा है। वक्त हालात बदल लेता है, सारे जज्बात बदल लेता है, किस्मत में होगा भी। तो अभी आपने देखा कि ये किस तरह से थोड़ा मतलब डल साउंड कर रहा है, इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है सॉन्ग के अंदर। अगर हम किसी को ये सॉन्ग अगर सुनाएंगे तो वो बोलेगा कि यार ये क्या सुना दिया है यार, ये तो काफ़ी वाहियात सॉन्ग है। तो अगर हम इसे कलर्स डालना चाहें तो हम इसे कलर्स मास्टरिंग के थ्रू डाल सकते हैं। तो अब देखते हैं कि हमें किस तरह से ओजोन का यूज़ करके मास्टरिंग करना है। जैसे कि हमारे सामने ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है इसकी जो स्पेक्ट्रम्स बनी हुई है। तो अगर हम बात करें यहाँ की, तो ये वाले पोर्शन में जो है इसकी काफ़ी कम यहाँ पे जो वेव्स फॉर्म में बनी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पार्ट जो है ये काफ़ी ज़्यादा लो है। और अगर हम बात करें इधर ये वाले पार्ट की, तो यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी सारी डार्क में वेव्स इसकी बनी हुई है। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो है काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी हमें मास्टरिंग करना होता है तो मास्टरिंग करने के लिए हम उस पार्ट को सिलेक्ट करते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा लाउडनेस हो। होता यह कि अगर आपने अगर ये वाले पार्ट को अगर सिलेक्ट कर दिया है तो जो ओजोन प्लगइन है वो इस पार्ट के अकॉर्डिंग इसको सेट करेगी। अब जब इस पार्ट के अकॉर्डिंग अगर इसको सेट करेगी तो होगा ये कि जब ये वाले पार्ट को ये लाउड करेगी तो आपका जो लाउडेस्ट पार्ट रहेगा सॉन्ग का वो काफ़ी ज़्यादा लाउड हो जाएगा। तो इसलिए हम उसमें करते ये है कि जो हमारा लाउडेस्ट पार्ट होता है सॉन्ग के अंदर, हम उसे इनपुट सिग्नल के लिए के रूप में देते हैं ताकि वो उससे जो है तो अपने हिसाब से एडजस्ट करे उसके डायनामिक्स को और हमें जो है प्रॉपर साउंड मिले किसी ट्रैक का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम ओजोन को डालते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके सामने देख रहा होगा यहाँ पर ओजोन की प्लगइन हमने डाल दी है। तो आप इसे मैन्युअली भी एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इक्वलाइज़र है, मैक्सिमाइज़र है, और आप यहाँ से कुछ भी जो भी आपको उसमें ऐड करना हो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हमें ज़रूरत है मास्टर असिस्ट की। तो सबसे पहले हम करेंगे ये कि यहाँ पर हमारा जो लाउडेस्ट पार्ट रहेगा उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ से यहाँ तक का जो है ये इक्वली है, तो मैं यहाँ से किसी भी रेंडमली जो वेव्स है वहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लूँगा। अब हमारे पास में जो सामने मास्टर असिस्टेंट आपको दिख रहा होगा, तो मास्टर असिस्टेंट पे हम क्लिक करते हैं। अब आपके सामने यहाँ पर तीन चीज़ें दिख रही होगी, पहला है मॉड्यूल, दूसरा है लाउडनेस एंड ईक्यू, और तीसरा है डेस्टिनेशन। देखिए तीनों में डिफरेंस ये है कि वो हमसे पूछता है कि हम किस तरह का साउंड चाहते हैं जो हमारा मास्टर होके हमें साउंड मिले। तो सबसे पहले मॉड्यूल में अगर बात करें तो मॉडर्न और विंटेज दो टाइप के मॉड्यूल है, तो मैं यहाँ पर इसे मॉडर्न में रखता हूँ। आपको पता ही है कि अभी मॉडर्न म्यूज़िक और विंटेज म्यूज़िक में काफ़ी अंतर है, तो इसलिए मैं इसे मॉडर्न रखता हूँ। अब दूसरी अगर बात करें लाउडनेस एंड ईक्यू की, तो यहाँ पर मैनुअल और रेफरेंस। देखिए रेफरेंस में अगर आप कोई सा ट्रैक आपके पास में तो आप उसे दे सकते हैं इनपुट के रूप में, तो वो उससे जो है रीड करेगा और उस हिसाब से उसको बनाने की कोशिश करेगा। और अब हम यहाँ पर देखें अगर इंटेंसिटी में, तो लो, मीडियम और हाई, तो मैं इसे हाई पर सेट कर देता हूँ। अब डेस्टिनेशन की अगर बात करें तो स्ट्रीमिंग और सीडी, तो हमें स्ट्रीमिंग चाहिए क्योंकि हम यूट्यूब पर डालते हैं और हमारे सॉन्ग्स को हम काफ़ी स्ट्रीमिंग साइट्स पर डालते हैं, तो इसलिए हमें चाहिए स्ट्रीमिंग। अब हम करेंगे इसे नेक्स्ट। अब आप देख रहे होंगे ये बोल रहा है कि वेटिंग फॉर यू टू प्ले ऑडियो, तो अब हमें ऑडियो प्ले करना है। अब दिखती ही नहीं,
सबके जैसी जिंदगी मेरी क्यों नहीं। ना हूं मैं गलत, फिर खुदा तुम्हें बता। राइट दोस्तों, तो अभी आपने देखा कि यहाँ पे इसने जो है इससे काफी चेंज कर दिया है साउंड को और काफ़ी अच्छा कर दिया है। तो इसने यहाँ पे इक्वलाइज को सेट किया है, इसने एनालाइज किया और डायनामिक्स को भी अपने हिसाब से कंट्रोल किया है। तो हम इसे कर लेते हैं एक्सेप्ट और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ईक्यू है ना, हमारे डायनामिक्स है और मैक्सिमाइज़र है। तो आप अगर आप चाहे तो ईक्यू आपके हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं इसके ऊपर, तब भी इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब भी ये अच्छे से ही साउंड करेगा। तो देखा आपने किस तरीके से हमने जो है मास्टर असिस्टेंट का यूज़ करके ओजोन से हमने मास्टरिंग कर ली है। तो अब हम देखते हैं कंपैरिजन हमारे सॉन्ग्स का। तो इसे हम कर लेते हैं डुप्लीकेट। अब आपको मैं पुराना जो मेरा मिक्स है वो सुनाता हूँ। अब हम मास्टर को सुनते हैं। क्या करूं जिंदगी जो मेरी ना रही, खुद से खफा खुदा तू बेवफा। सबको दे रहा किस्मत मुझको ही देता सजा। राइट दोस्तों, तो अभी आपने देखा कि किस तरह से हम जब इसे वन बाय वन हम जब प्ले कर रहे हैं तो हमारे सामने हम दोनों के अंदर डिफरेंस जो है वो हम देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है सॉन्ग के अंदर। तो आपके पास अगर ये प्लगइन है और आप इसे यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको डेफिनेटली यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप मास्टरिंग करना चाहते हैं और वो भी बहुत ही इजीली और आप प्रोफेशनली साउंड क्वालिटी चाहते हैं तो आप ओजोन का यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको काफ़ी कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला होगा और अगर आपके कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए जो है आने वाली वीडियोज़ कभी मिस ना हो। थैंक यू सो मच गाइज़।